हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में आपने देखा जर्नी फ्रॉम गुवाहाटी टू ईटानगर और बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस। इस एपिसोड में आज हम ईटानगर और जीरो सिटी एक्सप्लोर करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 6:30 को उठा था, फिर वर्कआउट वगैरह किया। कल हम गोम्पा टेम्पल गए थे बट शाम को अंधेरा होने की वजह से ड्रोन शॉट नहीं ले पाया, तो इसीलिए मैं और अभिषेक अभी जा रहे हैं गोम्पा टेम्पल। द व्हाइट स्तूपा विच इज सिचुएटेड आउटसाइड द मेन गोम्पा टेम्पल इज लिटरली अमेजिंग। द स्ट्राइकिंग येलो रूफ ऑफ द टेम्पल कैन बी स्पॉटेड फ्रॉम फार। Gompa Temple is very beautiful. The architecture is just amazing and wall inside temples are so detailed. It's also visually stunning, depicting different phases of Buddha's life from birth to passing. Gompa Buddhist Temple is one of the major tourist attraction of Itanagar as well as Arunachal Pradesh. Often called the center of Buddhist studies, this place is situated on the top of small hill offering the best scenic view of the city. सब पंगा हो गया, ड्रोन का एक्सीडेंट हो गया और ये देखो हाथ को कितना लगा है। पूरा ये जो उसके ब्लेड्स रहते हाथ में घुस के ऐसे कट गए हैं, देख रहे हो, लापरवाही का नतीजा। अभी हम आए गोम्पा टेम्पल से। मंदिर के ड्रोन शॉट कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। गोम्पा टेम्पल देखने के बाद अभिषेक को अलविदा करते हुए मैं निकला जीरो के लिए। और सिटी क्रॉस करते ही बहुत सारे सुंदर पहाड़ों का नज़ारा देखने के लिए मिला। समोसा लेके आया, थैंक यू भैया। और फिर आगे हम पहुंच गए पितापुल गांव में। आज मैंने यहाँ पे स्टे करने के लिए सोचा। क्या नाम है आपको यूट्यूब का? दशरथ सांगले। यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, लेट्स गो। यहाँ पे जगह का नाम क्या है? पितापुल। पितापुल, हाँ पितापुल है अरुणाचल प्रदेश में। बहुत ही सुंदर जगह है, मतलब दो वैली के बीच में ये जगह है। यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसके बाद में ये प्रोग्राम के डिटेल्स जो है उन्होंने मेरे पास दिए हैं। थैंक यू, हाय। ये देखो ये सबसे ज़्यादा शर्माती है। दशरथ सांगले। रुके डिनर के लिए, यहाँ पे दो तीन सब्जियाँ हैं। इसको क्या बोलते हैं सब्जी को? इसको हम लोग का लोकल लैंग्वेज का नाम ही पता है हमको। द्रोवो। नहीं 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 कैसे फाड़ दो, कैसे फाड़ना है पता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो है हम यहाँ पे टेंट अरेंज किया है। 6 o'clock जब मैं यहाँ पे आया तब मैंने आपको दिखाया था ये पेंडोल के बारे में, जगह के बारे में। अभी मैंने इसके साइड में जो है यहाँ पे अपना पूरा
टेंट अरेंज किया है। वो ध्यान से सुनोगे तो एक आवाज़ आ रहा है, ये एक नदी है साइड में, उसका आवाज़ आ रहा है। सो चलो अभी जाते हैं टेंट के अंदर। यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए टेंट में रहने के लिए मस्त लग रहा है, बट जब गर्मी रहता है तो टेंट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हमारा बेड आज के लिए, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का 5 o'clock टाइम हो रहा है। वाओ, काफ़ी मस्त लग रहा है बाहर। थोड़ी देर में हम निकलेंगे यहाँ से जीरो के लिए। मन नहीं कर रहा है यहाँ से निकलने का, सच में बहुत सुंदर जगह लग रहा है ये। ये जगह का नाम है पितापुल विलेज। ये देखो पूरा पहाड़ है, उसके नीचे एक पेंडल बना है और उसके साइड में हमारा बाइक खड़ा है और वहाँ पे है हमारा टेंट। समय हो गया है यहाँ से निकलने के लिए, अभी पूरा पैकअप वगैरह किया है टेंट वगैरह, अभी ड्रोन फुल चार्ज हो गए हैं, गोप्रो अभी बाइक पे चार्ज करेंगे चलते चलते। बाइक पूरा रेडी है, सेटअप होके भाई ने पानी लाया अपने लिए वाटर बल के। अरुणाचल के सब दोस्त लोग चाहिए मुझे, ठीक है? हाँ। तो कॉन्टेक्ट में रहना। हाँ, आप असम से हो ना? हाँ, हाँ, असम के भी फ्रेंड्स हैं मेरे। कौन से वेदर? जीरो का वेदर। हाँ, विकी सी यू। पेड़ है फ्लावर्स के अलग अलग, बहुत ही सुंदर है। रुको, गोप्रो में इतना सुंदर नहीं आ रहा है ये, मैं आपको दूसरे कैमरे में दिखाता हूँ। चलो शॉट लिए, अभी निकलते हैं यहाँ से। और आज हम पहुंच गए ज़ीरो। ज़ीरो इज़ अ टाउन इन अरुणाचल प्रदेश, इस मेन टाउन ऑफ द लोअर सबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। इट्स ऑन यूनेस्को लिस्ट फॉर इट्स आपातानी कल्चरल लैंडस्केप। यहाँ पे एक म्यूज़िकल फेस्टिवल होता है जो कि ज़ीरो में काफ़ी फेमस है। यहाँ से कितना दूर है? 4 किलोमीटर सेम रूट। जी जी, चला के लाया। थैंक यू एक मिलेगा। हाँ, लेफ्ट टर्न। ठीक, थैंक यू सो मच, वेलकम। फ्रेंड्स अभी हम आए हैं सी लेक पर, टिकट काउंटर है और वहाँ से हम अंदर जाएंगे। सी लेक पे थोड़ा भूख लगा था इसलिए प्राउड साथ में कैरी किया। सर मिले, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं सर? बोपा। ओपा, ओपा। ये जो है एक ट्रेडिशनल हैट है जो कि निशी लोगों का ये एक अटायर कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। ये अकेला अकेला पूरा घूमना है? हाँ, पूरा नॉर्थ ईस्ट। हाँ,
दापरो जी। अच्छा सर जाइए, अच्छा सर, हैप्पी जर्नी। थैंक यू सर। हम निकल रहे हैं सी लेक से, काफ़ी सुंदर जगह है और पूरा मैन मेड है, बहुत ही सुंदर डेवलप किया है यहाँ पे। फिर लोकल खाना खाने के लिए मैं एक जगह पे रुका जिसमें इल्दसम इधर दूर से आया है। हाय, नाइस टू मीट यू। होम गार्डनिंग ना जी। दीदी थैंक यू। वेलकम सर, हमें लेके आए घर पे। हाँ, बुला, नानी विलेज में हम खाना खा रहे हैं। Enjoying the food from zero, Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh from Nani Village. Nani Village. हमारे लिए वेज सब्जी बनाया है, उसमें ये बाम्बू स्वीट यूज़ किया है ड्राई वाला, इससे है ना थोड़ा सब्जी लेमन जैसे टेस्ट देता है खट्टा वाला। ओके, नानी कोची यानी नानी रोपो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब हम जा रहे हैं सीके लेक। यहाँ एक ग्रुप मिला जिन्होंने बताया कि यहाँ पे एक हाईएस्ट नेचुरली मेड शिवलिंगा टेम्पल है। हेलो गाइज, अभी पहुँचे हैं हम सिक्की लेक पे। अभी वहाँ पे गाड़ी पार्क करके आगे आ रहा हूँ। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का नज़ारा। आजू बाजू में मस्त एकदम पाइन ट्री के पेड़ है, बहुत सुंदर लग रहा है। बाय बाय। गूगल मैप बंद होने की वजह से मैं लोगों से पूछते हुए मंदिर की तरफ आगे निकल गया। ओके, ऑल राइट, स्ट्रेट एंड देयर इज नो लेफ्ट राइट, राइट? ओके, या देयर इज नो लेफ्ट राइट, जस्ट गो स्ट्रेट एंड कंटिन्यू। ओके, और फाइनली मैं श्री सिद्धेश्वर नाथ टेंपल में पहुंच गया। ओ अच्छा, वो नेचुरल माला है वैसे, ये देख रहे हो वैसे, ये पूरा प्रकृति माला है। जाने के लिए टाइम था बट जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे रुकने का मन किया। बाबा को पूछा तो बाबा बोले रुक जाइए, अभी आज यहाँ पे रुकेंगे, कल सुबह जाएंगे, कल सुबह निकलेंगे कोहिम के लिए। टाइम हो रहा है 7:00, 6:30 है ना, और मैं रुका हूँ आज बाबा के पास। बाबा के आशीर्वाद में रहेंगे आज। जीरो सिटी में शिवलिंगा टेम्पल में। ये शिवलिंग का जो खासियत ये है कि ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट शिवलिंग है और नेचुरली बना हुआ। सो अभी थोड़ा काम करते हैं लैपटॉप पे और बाबा के साथ में बैठते खाना खा के फिर आराम करेंगे।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का 5 o'clock टाइम हो रहा है और अभी मैं जो है ये थोड़ा कल का जो वीडियोज़ है उसका बैकअप वगैरह अरेंज करूँगा और उसके बाद में थोड़ा एक्सरसाइज योगा वगैरह करके रेडी होकर हम यहाँ से निकलेंगे। चलते हैं, बहुत अच्छा लगा। और फिर हम मुसाफिर निकले नागालैंड के लिए शिव मंदिर की शांतता और सुंदरता को याद करते हुए। ऐसे पहाड़ों में बाइक चलाना मतलब प्लेन चलाने से कम नहीं, बड़ा मस्त लग रहा था। और ये वादियों को एंजॉय करते हुए मैं आगे का जर्नी तय कर रहा था। रिटर्न जाते जाते जो स्टूडेंट्स लोग मिले थे उनको एक छोटा सा गिफ्ट देके मैंने आगे का जर्नी कंटिन्यू किया। कुछ कुछ जगह में रुकने का मन करता था तो रुक के ड्रोन शॉट लेके उस जगह को मस्त मनसोक्त एंजॉय करता था। एक जगह निशी समुदाय के लड़कियों ने उनका ट्रेडिशनल पोशाक पहन के फोटो खींच रहे थे। और वहाँ पे एक इटली की फैमिली ने भी ज्वाइन किया। फैमिली फ्रॉम इटली। थैंक यू सर, बाय बाय, सेफ जर्नी, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और फिर से हमने एक बार एंटर किए आसाम के चाय के बगीचे। बगीचे इसलिए कि चाय की खेती किसी बगीचे से कम नहीं लग रही थी। कोहिमा जाने के लिए यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, एक सेकेंड ना, मैं मैप दिखाता हूँ आपको। ये शायद हाँ कुछ बीच में फेरी वगैरह है क्या? हाँ, फेरी में गाड़ी जाता है क्या? जाएगा जाएगा ना, तो ये शॉर्टकट रहेगा ना? हाँ, ये माजुली जाने के लिए शॉर्टकट है। हाँ, बट वो फेरी मिलेगा ना? मिलेगा। तो अच्छा है, फिर डिस्टेंस कम हो जाएगा ना? ऐसे कम हो जाएगा डिस्टेंस। हाँ, क्योंकि इधर से टाइम ज़्यादा लगेगा फिर। टाइम ज़्यादा लगेगा इस तरह, है ना? अब इस तरह से माजुली निकल सकता है। हाँ, मस्त लग रहा है। अच्छा, मैं ही लास्ट में हूँ क्या? हाँ, लास्ट में। कौन से घाट से निकले? हाँ, ये खाबोली घाट बोलते हैं। खाबोली घाट क्या? उस साइड का मोरोलिया। मोरोलिया। सो मोरोलिया से गाड़ी चला के मोजोली जाना पड़ेगा। हाँ, अभी 5 मिनट में पहुँच जाएंगे हम घाट पे। ओ भाई, कौन सी वेक्सुल रहता है?
अभी हम जाएंगे निमाटी घाट, गोलाघाट और फिर दिब्रुगढ़ होके देखते हैं कहाँ तक। सो गाइज अभी 20 मिनट्स हो रहा है मोजोली से, हम बोट में बैठे हैं। जीरो से निकले थे, कोहिमा जाने के लिए दो रास्ते थे, तेजपुर से भी जा सकते थे, बीच में से रास्ता है मोजोली होके, यहाँ से हम जा रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस भी कम है क्योंकि ये जो रास्ता है ब्रह्मपुत्र से बीच में से जाता है। हमारा गाड़ी जो है फेरी में डाल के हमें एक जो मोजोली है वहाँ से निमाटी घाट में लेके जाता है फेरी। 1 आवर इज लाइक मैक्सिमम वेटिंग टाइम, अगर आप लकी हो तो 10-15। और फिर मोजोली से निमाटी घाट आया, वहाँ पे उस दिन जो दोस्त मिले थे उनसे बात करके फिर मैं आगे जोरहाट के लिए जर्नी कंटिन्यू किया। जब भी है ना जोरहाट में रुके, चेन जो है गाड़ी का बहुत ही टाइट हो गया था, पता नहीं क्या इशू आ रहा था, ढीला कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो विजित भैया ने अभी चेन जो है आवाज़ कर रहा था उसको फिक्स कर दिया है। एक्चुअली संडे को बंद रहता है यहाँ पे, बट उन्होंने जाके वो मैनेज किया थोड़ा कैसे करके और फिर ये इशू सॉल्व कर दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्राइस 7 o'clock, हम आए जोरहाट के आगे और यहाँ पे एक होटल है, होटल का नाम है हॉर्न बिल ढाबा। यहाँ पे हम डिनर कर रहे हैं, खाना खा के शायद यहाँ पे आज रुकेंगे और कल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में जल्दी रुकेंगे। सो गुड नाइट फ्रेंड्स। वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना और स्टे ट्यून फॉर नागालैंड एडवेंचर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।